अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। धर्म ध्वजा लहराने वाले, मार्ग सत्य का दिखाने वाले, अधर्म अत्याचार पे सदा सच का तीर चलाने वाले, मर्यादा पुरुषोत्तम अवध के स्वामी प्रभु श्री राम। श्री माता और गुरुदेव दोनों ही हमें बहुत प्यार करते थे, लेकिन राम भैया की तरह नहीं। अर्थात? अर्थात ये माँ कि एक दिन भोजन के बाद जब हम चारों गायों को चराने के लिए वन से जा रहे थे, तो राम भैया ने पेड़ से एक फल तोड़कर मुझे दिया और कहा, भरत इसे खा लो, तुमने अपने हिस्से की खीर तो शत्रुघ्न को खिला दी ना। तो मैंने वो फल खा लिया और माँ उस फल की मिठास, उसकी मिठास ऐसी थी कि वो आज तक मेरे मुंह में है। राम भैया का स्पर्श तो चमत्कार करता है माँ। चमत्कार तो भरत भैया के जन्मदिन पे शत्रुघ्न ने किया था माँ। भरत भैया और राम भैया की खीर अकेले ही खा गया शत्रुघ्न। महारानियों को और राजकुमारों को प्रणाम। सभा छोड़कर तुम यहाँ कैसे? महारानी, महर्षि विश्वामित्र पधारे। महाराज से कहिए ब्रह्मर्षि का सत्कार करें, हम तत्काल आ रहे हैं। परंतु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र अब जा रहे। अचानक आए और अभी जा रहे हैं? ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज से रघुनंदन राम को मांगा था। और महाराज ने अनुमति दे दी है। जाने देंगे राम को, महाराज से जाके कहीं राम नहीं आएगा। माँ, अभी अभी तो आए हो राम, और अभी जाओगे? नहीं, तुम नहीं जाओगे राम। माँ, ऋषि मुनियों का अनादर नहीं करते, और फिर पिताश्री के वचनों का क्या होगा? मैं उनका वचन मिथ्या नहीं कर सकता। पिताश्री रघुकुल के भूषण हैं। उन्होंने अपना वचन भंग किया, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे आज्ञा दीजिए मां।
लक्ष्मण तुम भी अपने भैया राम के साथ जाओ, राम की परछाई बन के रहना। जो आज्ञा मां। तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य ब्रह्मर्षि विश्वामित्र नहीं कर पाए वो कार्य राम कैसे कर पाएगा। राम तो अभी बच्चा है। राम लौट कर नहीं आएगा, नहीं आएगा लौट कर राम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करो। तुम्हें ब्रह्मर्षि के साथ जाना है। जो आ गया पिताजी। पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी राम भैया के साथ जाऊं। राम लक्ष्मण अब से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं, माता पिता हैं। इनकी सेवा करना, इनकी हर आज्ञा का पालन करना तुम दोनों का परम कर्तव्य है। राम लक्ष्मण तुम दोनों मेरे साथ सिद्धायतन पर चल रहे हो, जहां मैं यज्ञ कर रहा हूं। जो आ गया गुरु श्रेष्ठ। कल्याण हो।